गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक चैप्टर टू, वन एंड मोर देन वन. ओके, रीड दीज नेमिंग वर्ड्स. कैट, बेड, बॉल. कैट मीन्स वन कैट, बेड मीन्स वन बेड, बॉल मीन्स वन बॉल. जैसे कि चैप्टर है वन एंड मोर देन वन. ओके, तो यहाँ पे क्योंकि एस नहीं लगा हुआ, इससे ये पता चलता है कि ये वन है. जैसे कैट मीन्स वन कैट, बेड मीन्स वन बेड, बॉल मीन्स वन बॉल. मतलब यहाँ पे एस ऐड नहीं है, इसलिए ये वन ही है. व्हेन वी ऐड एन एस एट द एंड ऑफ अ नेमिंग वर्ड, इट शोज दैट समथिंग इज मोर देन वन इन नंबर. जब भी हम लोग नेमिंग वर्ड में एस ऐड करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि वो मोर देन वन है. ठीक है, जब भी हम लोग कोई नेमिंग वर्ड में एस ऐड करते हैं, तो ये पता चलता है कि वो चीज़ मोर देन वन है. फॉर एग्जाम्पल, कैट प्लस एस कैट्स, बेड प्लस एस बेड्स, बॉल प्लस एस बॉल्स. ओके, क्योंकि ये चैप्टर ही है वन एंड मोर देन वन, तो यहाँ पे क्या बताता है कि नेमिंग वर्ड में यदि हम लोग एस ऐड करते हैं, तो वो ये पता चलता है कि वो वन से ज़्यादा है, मोर देन वन है. ओके, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही स्मॉल है, छोटा है और इंटरेस्टिंग है. आप लोग ये पहले भी प्रेप क्लास में शायद पढ़े होंगे. ठीक है, और ये आप लोग को बहुत इजी वे में समझ में आ ही गया होगा. यदि कोई नेमिंग वर्ड है उसमें एस हम लोग ऐड करते, तो उससे ये पता चलता है कि वो मोर देन वन है. अगर एस नहीं है तो समझ लीजिए कि वो वन है, और यदि एस ऐड है तो समझ लीजिए मोर देन वन है. ओके, अब हम लोग देखेंगे पेज नंबर 7. ओके, लुक एट द पिक्चर्स, काउंट द नंबर ऑफ थिंग्स सोन, देन सर्कल द करेक्ट वर्ड वन हैज बीन डन फॉर यू. हैट्स कितने हैं? 3 है. ठीक है, क्योंकि ये मोर देन वन है इसीलिए हैट्स है. डक कितने हैं? 2 है, मोर देन वन है इसलिए डक्स. चेयर कितने हैं? 1 है, वन है इसलिए चेयर. एप्पल कितने हैं? 3 है, मोर देन वन है इसलिए एप्पल्स. हाउस कितने हैं? 2 है, मोर देन वन है इसलिए हाउसेस. लैम्प कितने हैं? 1 है इसलिए लैम्प. ओके, ये चैप्टर आप लोग होप कि समझ में आ गया होगा. ये बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इसमें ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है, बस आप लोग को जानना है कि जब भी कोई नेमिंग वर्ड में एस हम लोग ऐड करते तो वो मोर देन वन हो जाता है. ठीक है, आप लोग ये इसको ज़रूर पढ़ेंगे. ठीक है, और आप लोग को ये समझ में आ जाएगा. आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट होता है, और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा. आप लोग को ये समझ में जरूर आ जाएगा, मैंने इस चैप्टर को समझा दिया है. ओके, थैंक यू.